जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपकी अपनी नेशनल न्यूज इंडिया पर। अबे दीपक चौरसिया घूम रहा है ना, अभी तो दारू पी रहा है, एक दिन देना वो गांजा भी पिएगा। मीन मास जो करे हारा चौसठ जन्म गीत होता, वो गीधव से बेकार गीत बनेंगे, इसलिए कि जान के कि जैसे जान बूझ नर कर रिटाई कूटा जाए मुन के जाए मीडिया वीडिया हेन तेन नेता नगरी सब ये सब एक दिन आएंगे जगह पर। नहीं आए तो तुम्हारा चप्पल मेरा मुँह, ये गारंटी बोलता हूँ मैं भी। हो अभी प्रकृति उसका हिसाब लेना शुरू कर दिया, एक दिन संत सताए तीनों जाए बल बुद्धि अभी भी उनका तीनों जाएगा। अभी तो दारू पी रहा हो गांजा पी के बोलेगा मीडियम देखना घबरा मत, थोड़ा दिन आ रहा है उनका। करुणों साधक बहना हम जैसे साधक नए रो रहे हैं आंसू बहरा, वो कहाँ जाएगा प्रकृति के जब भार नहीं सहेगा। गप दे दीपक का, दीपक के बप्पो तक चले जाए ना मालूम पड़ी, एक दिन तो सच्चाई सामने होगी। कितना दिन दीपक का दीपक अरे हेरा जाए सकल न मिली इनका। वो अभी भी उसके पास मौका है, समय है, मतलब है उसके पास दीपक चौरसिया के, अभी भी बापू जी से मिल जाएंगे और जाके प्यार से न्याय बोलते, हे गुरुदेव मैं बहुत बड़ा गलती किया, मुझे मूर्खों को माफ कर दो। अरे तक कहते बापू जी को सारा काम बना देंगे, गुरु जी तुरंत माफ कर देंगे, जा बेटा। बस बस दादा से वही मांगा पहले अपना भला है कि दादा मैं ठीक हो जाऊं, मेरे घर में कौन सा भूत है, मेरी घर वाली भी घर छोड़ के भागती, मैं भी मरने पाला हूं, क्या करूं प्रभु। अरे पांच सुकर जाते जाते मेरा बापूजी की दया से सब कृपा ठीक हुई, पर दादा में इतनी बड़ी शक्ति। अब बताइए लोग कहता है बापू ऐसा, मैं नहीं मानेगा क्योंकि मैं 7 साल से बिना मंत्र का पूजा कर रहा हूँ, इतना मेरे घर में परिवर्तन बदल गया। मेरा घर द्वार मैंने कभी जिंदगी में सपना नहीं सोचा था बम्बई में ईंट लगा दूँ, मैंने एक रूम खरीद लिया। अब बताओ मैंने सपना नहीं सोचा था कि मैं रूम ले लेगा, रूम वाला बनेगा। आज बापूजी का वही सोच रहा था कि बापूजी का वह फोटो लगाऊंगा, वह विधवत पूजा करूंगा, बापू मेरा खुद का होने दे, हो ही गया। बताओ मैं इनको नहीं मानू तो किसको मानू, लोग दुनिया बोलते बापू ऐसा वैसा, मगर मैं नहीं। बापू दोषी तो दोषी है तो ये क्यों नहीं दिखाते तुमको बार बार, दोषी बापू ऐसा बापू। अरे इधर भी तो कैमरा करो एक बार। वो दीपक चौरसिया का नाम सुना था, पत्रकार था, उसने बोला का मैं बापू ऐसा वैसा, मैंने उसका मुंह देख के मैंने बोला जा ये जन्म तो उतर गया, अगर अभी भी तेरे को मौका है इस जन्म ने अगर सुधारना है तो बापू के चरणों में गिर जा। कहने की गुरु से कपट मित से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, ये अगर तेरे को तरना है तो एक बार फिर से गिर जा। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट चित न भावा। बापू ऐसे संत है कि कड़ी सी कड़ी सजा अगर पापी हो तो उसको अपने दरबार में लिया जा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, बापू जी का वही राम का स्वभाव है कि निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट चित न भावा। दीपक चौरसिया का भी बोल रहा हूँ अभी बहुत मौका है, अगर वो चाहे तो अपनी जीवन की बहुत ही हालत खराब हो गई, नौकरी से निकाला गया, निकाला इसलिए जाएगा कि जो सिकरनी तब हुआ गऊ ताता नरक जात तुम क्यों फस ताता। तुलसीदास जी लिखे जैसे करोगे वैसे भोगोगे। दीपक चौरसिया तो मजा आई बापू जी को बदनाम करने में, अब मजा आएगी जब पति की दिवस, क्योंकि सबसे ज्यादा मीडिया वालों में से किसी ने कुप्रचार किया तो दीपक चौरसिया ने किया, तो उस पे ही ज्यादा वार हुआ, उसकी नौकरी भी चली गई। इसीलिए कहते हैं दीदी कि सबसे देखा वो कहने वो मीन मास जो करे हारा चौसठ जन्म गीत होता, वो गीधव से बेकार गीत बनेंगे, इसलिए कि वो जान के कि जैसे जान बूझ नर कर रिटाई कूटा जाए मुन के जाए। हो रहा है मतलब बापू के भक्तों की हाय बद्दुआ क्या लग रही है भक्तों की? नहीं देखो बापू जी को जितना सताएंगे उतना अन्न परेशान होगा, बापू जितना परेशान होंगे उनके 3 गुना ही। जितने मीडिया और जितने बापू जी को बदनाम ये करने वाले हैं ईसाई जय जो है मीडिया वीडिया हेन तेन नेता नगरी सब ये सब एक दिन आएंगे जगह पर। नहीं आए तो तुम्हारा चप्पल मेरा मुँह, ये गारंटी बोलता हूँ मैं भी, ये करवरतरे बैठ के बता रहा हूँ प्रभु के आम तरीके, ये देख लेना। अभी प्रकृति उसका हिसाब लेना शुरू कर दिया, एक दिन संत सताए तीनों जाए बल बुद्धि अभी भी उनका तीनों जाएगा। अभी तो दारू पी रहा हो गांजा पी के बोलेगा मीडियम देखना घबरा मत, थोड़ा दिन आ रहा है। तो अभी भी उसके पास मौका है, समय है, मतलब समय है उसके बाद दीपक चौरसिया के, अभी भी बापू जी से मिल जाएंगे और जाके प्यार से न्याय बोलते, हे गुरुदेव मैं बहुत बड़ा गलती किया, मुझे मूर्खों को माफ कर दो तुरंत। उसने तो सोचा था कि मैं रात दिन चलाऊंगा बापू के विरोध में, बापू के भक्त टूट जाएंगे, लेकिन देख रहे कि नए नए साधक, मतलब
जो दीक्षा नहीं लिए वो हम तो तीन आदमी हम खुद बना दिए एकदम परफेक्ट पूजा कर रहे हैं, बढ़ा दिया हम तो हो गए, तीन आदमी तो हो गए, हम खुद ही हमारे जैसे तीन कितने हमने बढ़ा दिया और लाखों आदमी तो बापूजी का और बढ़ रहे हैं, वो घटा क्या रहा है। दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार पैसा लेके बिक जाए तो संत को बेच देगा, धर्म बेच लेगा, वो अकेला है क्या दुनिया में? अरे भगवान से बड़ा है क्या दीपक चौरसिया? वो भी तो मानव तन का बनाया है। थोड़ा दिन तुम्हारी सत्ता है, पैसा लेके तुम कुछ भी कर सकते हो, मगर सत्ता गई तब कहूँ न मिली पानी। अबे काय दी अभी देख रहे हैं, मतलब जिस न्यूज चैनल में था ना छुट्टी कर दी और उसने यूट्यूब चैनल चालू किया और बापू के भक्तों की इतनी बद्दुआ लग रही कि यूट्यूब चैनल भी नहीं भाई। तो अभी क्या है, करोड़ों साधक बहना हम जैसे साधक नए रो रहे हैं, आंसू बह रहा, वो कहाँ जाएगी? प्रकृति के जब भार नहीं सहेगा, गप दे दीपक का, दीपक के बप्पो तक चले जाए ना मालूम पड़ी कहाँ समझते है। जब गप जैसे धाई दे ना तो जैसे जैसे आप देखोगे प्रेस चलता है ना, वजन साफ दर्द दर्द जमीन बैठ जाए, तो वैसे दीपक चौरसिया बैठेगी, इनके मालूम ना पड़ेगा दीपक चौरसिया है कहाँ, क्योंकि अभी भी मौका है। अभी भी जितने पत्रकार जितने पत्रकार हैं बापूजी को बदनाम करने में, इनको मैं सबको कहता हूँ, दीपक नहीं कुल को, सब लोग मिल जाओ और मिल के मेरे बापूजी का जैसे तुमने गलत किया उसे प्यार से बोल दो कि गुरुजी हमने गलती कर गए, हमने पैसे में बिकाया कुछ किया, गलती कर गए, हम रिहाई चाहते हैं, नहीं गलती, मगर तक कह दें बापूजी को सारा काम बना देंगे, गुरुजी तुरंत माफ़ कर देंगे, जाओ बेटा। जानिए हर सच की कहानी, दिनेश ठक्कर आपकी अपनी नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।